क्या कह रहे हो अरबंस? ठीक ही कह रहा हूं यारी, दोस्ती में बदनाम हो गया है मेरा बेटा। ही इज बिकम ए लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीबॉडी, और ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ हरबंस, मैंने निशा को बहुत समझाया, लेकिन व्हाट डू यू मीन है? तुम्हारा मतलब है कि अगर निशा रोहित से शादी करना चाहेगी, ये जानते हुए भी कि रोहित पागल है, तुम अपनी बेटी का हाथ उस पागल के हाथ में दे दोगे? सिर्फ पागल बोलने से काम नहीं चलेगा अंकल, क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं चलता कि पागल किस किस्म का पागल है, और उसका पागलपन जो है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन है, मेगलोमेनिया पागलपन है, ऑब्सेशन पागलपन है, साइकोपैथी पागलपन है, मेंटल इंबैलेंस पागलपन है, और पागलपन भी पागलपन है। और पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती, मैड क्रेजी इनसेन भी पागलों के नाम है, और क्रैक को गुड्डे में डीरेंज भी पागल है। कुछ पागल ऐसे होते हैं जिनका पागलपन दुनिया को लगता है कि पागलपन है, लेकिन वो पागल नहीं होते, और कुछ पागल वो होते हैं जो सचमुच पागल होते हैं लेकिन उनका पागलपन दिखाई नहीं देता। इन शॉर्ट दिस इज स्मॉल समरी ऑन पागलपन। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज प्लीज। आंटी आई लव बॉम्बिटा, थैंक यू। यस हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पागलपन की बहुत सी किस्में हैं। नर्वस होके पाव हिलाना भी एक किस्म का पागलपन है। और आप लोग कहते कि मैं पागल हूं। यस आई एम मैड, क्योंकि मैं आपकी बेटी की प्यार में पागल हूं। आई एम मैड इन लव विद निशा। रुक क्यों गए? उस दिन तो बहुत कूद रहे थे, आज फिर हमारे ऊपर से कूद के जाओ। नीचे क्या देखता है? क्या है इस बैग में? भागो! सूरज चल गया है, जादू को बचाना होगा। एक बैग में क्या है? अधिक
जादू तुम भागे कैसे? अरे आज तो बच गए, तूने तो कमाल कर दिया रे।